मेरा नाम मनप्रीत कौर है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट और एक ऑथर भी हूँ। तो आज का जो दिन है, हमारे पहले गुरु गुरु नानक पातशाह जो है उनका प्रकाश पुरब है, जो यहाँ हम गुरुद्वारा छठी पातशाही रैनावाड़ी में सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस दिन को कमेमोरेट करने के लिए सारी जो संगत है वो यहाँ पे जुड़ी हुई है। लंगर का भी प्रबंध किया गया है एंड सुबह से पाठ कीर्तन यहाँ पे लेक्चर्स स्पीचेस चालू हुई है। अरदास तो यही रहेगी कि सरबता पला जो एक सिख है वो हमेशा सरबता पला, यानी कि हर कम्युनिटीज़ के लिए, हर कास्ट के लिए, हर क्रीड के लिए जो है वो यही दुआ करता है, सरबता पला, हर एक की अच्छाई की दुआ करता है, हर एक के भले की दुआ करता है। तो सेम दुआ पीस के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, अनचढ़ी कला, हाई स्पिरिट्स के लिए आज की हमारी। तो कश्मीरियत के लिए जाना जाता है, सब कम्युनिटीज़ यहाँ पर मिलजुल के रहती हैं। तो मेरी मैसेज यही रहेगी कि छोटी मोटी जो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, छोटे मोटे इंसिडेंट्स, उनकी वजह से जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके मन में मतलब डिस्प्यूट्स नहीं पैदा होने चाहिए एंड एट अ पीसफुल लेवल उन चीज़ों को सेटल करना चाहिए एंड सब कम्युनिटीज़ को भाईचारे के साथ एंड बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिटी एंड पीस के साथ यहाँ पे रहना चाहिए। तो गुरु नानक देव जी का जिस वक्त जन्म हुआ है उस वक्त के हालात, जो राजसी हालात थे, सामाजिक हालात थे या धार्मिक हालात थे, वो बड़ी छोटी पदर पर, नीचे पदर पर जा चुके थे। तो लोगों को एक रहनुमाई की ज़रूरत थी। तो उस वक़्त सिख धर्म के एक बहुत बड़े सरकार भाई गुरदास जी ने बताया कि लोगों की यह फरियाद उस खुदावंद करीम के उस दर तक पहुंची, सुनी पुकार दातार पर गुरु नानक जग माय उठाया, गुरु नानक संसार में आए। तो आकर उन्होंने पहला संदेश जो दिया था वो था एक ओंकार कि सारी दुनिया का मालिक सिर्फ एक है, उसके नाम अलग हो सकते हैं, वो उसको कोई अल्लाह कहता है, कोई उसे राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई उसे गॉड कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई अकाल पुरख कहता है, पर है वो एक। हमें उस एक के साथ जुड़ने का दर सूचना दिया। क्या कुछ तो खास दुआएं आज के दिन में रहेंगे? हाँ, गुरु आज के दिन पर हम यही अरदास करेंगे कि सारे आलम इंसानियत में भाईचारा जो है बना रहे, जो भी जहाँ कहीं किसी की हक प्रस्ती हो रही है, हक मारे जा रहे हैं, उन्हें अपने हक मिल सकें। गरीब लोग जो इस वक्त परेशानी की, गुर्बत की हालत में जी रहे हैं, उनके तक लोगों की पहुँच हो सके, उनको अच्छा रहनुमाई मिल सके, सब भाईचारे से रहें, ये हमारा एक संदेश है कि गुरु नानक के फलसफे का यही संदेश है। इसलिए हम सबको उम्मीद, हम आपन कीना, हम सबना के साजन।